नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हमको मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब बासमती चावल भी हमारा है। बड़ी खबर भोपाल से, एपीडा ने आपत्ति ली वापस। जीआई टैग को लेकर आपत्ति लगाई थी। खबर भोपाल से, जहां पर बासमती चावल भी अब हमारा है। एपीडा ने आपत्ति वापस ली है और इसी के साथ साथ जीआई टैग को लेकर आपत्ति लगाई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बासमती चावल को लेकर क्या फायदे हैं और कितना महत्वपूर्ण ये साबित हो सकता है? देखिए शिवानी, 2008 से मध्य प्रदेश के जो बासमती धान है उसको जीआई टैग दिलाने का प्रयास हो रहा है। एपीडा हमेशा से मध्य प्रदेश के जो बासमती का जीआई टैग देने के खिलाफ रहा है। अगस्त 2020 में पंजाब की आपत्ति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के सामने मध्य प्रदेश का पक्ष रखा था। पंजाब का कहना था कि उनका ही सर्व बासमती चावल पर जीआई टैगिंग का हक पंजाब का है और मध्य प्रदेश को इसका हक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश ने अपनी पूरी ताकत से अपनी बात रखी। इसके बाद एपीडा जो अभी तक इसके खिलाफ था, अब एपीडा ने अपनी आपत्ति वापस लेने का निर्णय लिया है। वो जीआई टैग लेने को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि बासमती का वनवास अब खत्म हो गया। 12 साल बाद ये मामला सुलझने को, कृषि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने हमको जीआई टैग मिलने के पूरे पूरे चांस है। इसके बाद इसका फायदा ही होगा कि जीआई टैगिंग के बाद बासमती पर हमारा हक होगा। जो मध्य प्रदेश के किसानों का जो बासमती चावल है वो देश विदेश में अपनी खुशबू बिखेरेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों को एक बड़ा लाभ होगा, क्योंकि प्रदेश में पिछले 5 साल के हम डाटा देखें कि सन 2015-16 से लेके 2020 तक की बात करें तो पहले जो हमारा उत्पादन था वो 12.66 लाख हेक्टेयर में होता था और अब ये रकबा लगभग दोगुना हो गया है, उत्पादन दोगुना हो गया है। यही जो टैग होता है उसमें उसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, क्योंकि क्षेत्र में वस्तु विशेष अथवा कानून को वो लागू होता है और उससे एक विशिष्ट पहचान होती है। और जब भी हम विदेश में कोई चीज निर्यात करते हैं तो जीआई टैग की हमको जरूरत होती है। पहले भी हमने देखा था कि रसगुल्ला को लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में विवाद चला था जीआई टैगिंग को लेकर। विदेशों में हमारी हल्दी केसर को लेके विवाद चला और बाद में हमको जीआई टैगिंग मिला। उसपे एकाधिकार होने से उसको एक नई पहचान मिलती है और देश दुनिया में नाम होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें खासतौर से खाड़ी देशों की तो बासमती चावल निर्यात होता है और उसमें बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का होता है, लेकिन उसका क्रेडिट अभी तक मध्य प्रदेश को नहीं मिल पाया था जी। लेकिन इसके बाद ये फायदा होगा क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे जिले, 14 जिले कम से कम, जिसमें बासमती धान की खेती होती है, जिसमें खासतौर से अगर हम बात करें कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, गुना और अब तो भोपाल और उसके आसपास सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर में भी बड़े पैमाने पर बासमती की खेती होती है। तो इस प्रकार से जब हमको जीआई टैगिंग मिल जाएगी तो किसानों और कारोबारियों के साथ मध्य प्रदेश को भी बड़ा लाभ होगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबर आपको हम बता रहे हैं, अब बासमती चावल भी हमारा, किसानों के लिए बहुत लाभ भरी खबर है। उत्पाद दुगना हो गया है, जिससे कि जीआई टैग को लेकर ये आपत्ति थी ये वापस ली गई है। जीआई टैग को लेकर आपत्ति लगाई थी। तो किसानों को राहत भरी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर किसानों को लाभ मिल सकता है। उत्पाद दुगना हो गया है बासमती चावल को लेकर, अब बासमती चावल हमारा है। एपीडा ने आपत्ति वापस ली है, इसी के साथ जीआई टैग को लेकर। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चेतन सिंह जी मौजूद हैं। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार। चेतन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि बासमती चावल अब हमारा है सुनने में आ रहा है, एपीडा ने अपनी आपत्ति वापस ले ली है, इससे क्या फायदे हैं, क्या महत्वपूर्ण ये साबित हो सकता है, किसानों को क्या लाभ मिल सकता है, जैसे कि इसका उत्पाद दुगना हो चुका है,
जहां शरबती गेहूं को लेकर सुनने में आ रहा है कि इसकी उत्पाद वैसे ही इतनी थी, पूरे प्रदेश में इतना फेमस था, तो बासमती क्या साबित हो सकता है? क्योंकि बासमती को लेकर के लंबे समय से हमारी लड़ाई केंद्र सरकार के एपीडा विभाग से चल रही थी, और इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं जी। अभी इसी 5 जनवरी को इस बोर्ड की अहम बैठक इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में थी। उस बोर्ड की बैठक में हमेशा इस बात को लेकर के ही कुछ ना कुछ होता था कि आखिर मध्य प्रदेश को जीआई टैग देने में क्या आपत्ति है। तो बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एपीडा की जो आपत्ति है, उस आपत्ति को हम वापस लेते हुए जी। भारत सरकार का कृषि अनुसंधान परिषद केंद्र है ICAR, उसको एक प्रस्ताव भेजा है कि आप क्षेत्र विस्तार करने का गजट नोटिफिकेशन कर दीजिए, एपीडा उसके विभाग उस चीज को लेकर के विभाग जो एपीडा है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वो उसका गजट नोटिफिकेशन स्वीकार करके आदेश जारी कर देगा। तो मुझे लगता है कि मेन आपत्ति जो एपीडा की थी, उसके हटने से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो बासमती को लेकर के जीआई टैग का जो मामला था, उसका रास्ता बहुत क्लियर और साफ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द हमारे मध्य प्रदेश का बासमती जीआई टैग के साथ सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आम जन तक उपलब्ध होगा। दूसरी आपने विषय किया सरबती गेहूं को लेकर के, जी जी, सरबती गेहूं मध्य प्रदेश के अधिकतम 7 जिलों में और न्यूनतम 2 जिले और है तो 9 जिलों में इसका उत्पादन होता है जी। वसा की दृष्टि से, कार्बोहाइड्रेट की दृष्टि से, प्रोटीन की दृष्टि से और खाने की दृष्टि से, स्वाद की दृष्टि से ये मध्य प्रदेश नहीं देश का सर्वश्रेष्ठ गेहूं है, सरबती गेहूं अथवा 306 गेहूं। इसको लेकर के भी अभी 5 तारीख को बोर्ड में प्रस्ताव दिया है जी। कि मध्य प्रदेश में इकलौता ये गेहूं है, इसको हमको जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट देना चाहिए। बोर्ड ने उसको स्वीकार किया है और बोर्ड ने मध्य प्रदेश शासन से अब उसको हम प्रस्ताव भेजेंगे, उस प्रस्ताव पर मोहर लगते है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम जीआई टैग देते हैं तो उसका पूरा एक अनुसंधान रहता है, उसके पीछे पूरा लॉजिक देना पड़ता है। तो मध्य प्रदेश शासन का कृषि विभाग वो सारे तथ्यों के साथ एपीडा बोर्ड को प्रस्तुत करेगा, लेकिन इस बात की स्वीकृति हो गई है कि जीआई टैग सरबती गेहूं को देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही उसके सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, तत्काल एपीडा विभाग उसको जीआई टैग दे देगा। मध्य प्रदेश को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। एक निर्णय और हुआ है गीता जी, जो मध्य प्रदेश का इकलौता जीआई टैग है खाद्य उत्पाद में, वो है कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ का जी जी। उसको लगभग लगभग 1.5 साल हो गए हैं जीआई टैग दिए हुए जी। उस स्तर पर अभी हम उसका प्रचार प्रसार रख रखा उसका उत्पादन नहीं कर पाए हैं। उसको उत्पादन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए हमने शेड्यूल ट्राइब की जो महिलाएं हैं, अगर ये महिलाएं इस उत्पाद समूह में जुड़ करके उसके उत्पादन को बढ़ाने में अगर अपनी अहम भूमिका निभाएंगी तो वित्तीय पोषक के रूप में भी एपीडा इन माताओं बहनों की मदद करेगा। हमारा ध्येय है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, हमारा ध्येय आत्मनिर्भर भारत, उसके ही तहत हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना, उस सपने को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की एपीडा एक बोर्ड है, उसने पहल की है और इस पहल से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो हमारी महिलाएं हैं जो परंपरागत रूप से कृषि उत्पाद करती हैं, उसको एक बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म के साथ एक अच्छी पहल भी मिली है कि उनको वित्तीय पोषक के रूप में एपीडा ने अपना भरपूर सहयोग देने का निर्णय किया है। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चेतन सिंह जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने खास जानकारी साझा की कि शरबती गेहूं का जो पूरे प्रदेश में इतना प्रचलित है, इतना ज़्यादा फेमस है, इसी के साथ साथ बासमती चावल का उत्पादन भी उतनी तेज़ी से आगे बढ़कर सामने आ रहा है। कुछ ही समय में जियोग्राफिकल इंडिकेटर सर्टिफिकेट द्वारा इसको मंजूरी दे दी जाएगी।